हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हमने सीरीज आरएल आरसी और आरएलसी सर्किट करा, रेजोनेंस की कंडीशन को भी देखा। अब उसके बाद हमने पैरेलल में एक देखा आरएल सर्किट, अब पैरेलल में आरसी सर्किट पे चलेंगे और फिर पैरेलल में हमारा आरएलसी तीनों होगा, किसमें किसकी रेजोनेंसी होती है, किस तरीके से फेजर ड्रॉ होता है। तो चलिए हम उस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँ तो पैरेलल होगा आज हमारा, यहाँ पे पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो पैरेलल आरसी सर्किट देखिए किस तरीके से यहाँ पे डील की जाए। तो सबसे पहले पैरेलल आरएल सर्किट का, आरसी सर्किट का हमारे लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे पैरेलल आरसी सर्किट का यहाँ पे एक सर्किट होना चाहिए। तो यहाँ मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, दूसरा कैपेसिटर होगा और यहाँ पे लगा होगा एक मेरा सोर्स। अब यहाँ पे इस सी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सी है, यहाँ पे आर है। ओके, जब ये सी और आर है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स वी एस होगा, तो टोटल जाने वाला यहाँ फिर करंट हम देखेंगे आई एस क्या होगा, जबकि यहाँ पे जाने वाला करंट आई सी है और यहाँ पे जाने वाला करंट आई आर है। तो ध्यान रखें यहां भी वही चीज मिलेगा कि ये वेक्टर सम होता है, नॉर्मल अल्जेब्रिक सम नहीं होता है। तो इसकी मैं चर्चा अगर करूं, यहां पे इसकी चर्चा करूं तो यहां पे आप देखिए आई एस इजकल टू आई आर प्लस आई सी। ले ये तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिलना है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर सम में होगा। किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर सम में होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें दिखाना चाहता हूं कि अब इसके कैलकुलेटिव पार्ट हम कैसे कैलकुलेशन करें, है ना। यानी अगर आपसे पूछे यहां पे कि इस सर्किट का, ब्लैक कलर तो नहीं ले रहा, इस सर्किट का आई आर क्या होगा, तो सीधे अभी तक तो आपने बिल्कुल फेजर बनाया बहुत बढ़िया से, तो सीधे आप कह सकते हो सर आई आर बहुत सिंपल होगा, यानी वी आर बटा आर, या फिर कह सकता हूं वी एस बटा आर। अब कहोगे सर क्यों वी आर वी एस, चूंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी आर होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी सी होगा। चीजें क्लियर है। चलिए तो यहां से मैं इसको जान ले रहा हूं। चलिए एक चीज ये है, नेक्स्ट आपसे कोई कोई बोल रहा है कि सर आईसी क्या होगा, आप बोलोगे वहां का वोल्टेज यानी वीसी बटा उसका रिएक्टेंस एक्ससी, यानी वीसी बटे इसका रिएक्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/j ωc। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वीसी बटा, यहां नीचे कुछ बचेगा नहीं और सब चला जाएगा ऊपर। ओके, सब चला जाएगा ऊपर, मतलब वी सी इंटू ओमेगा सी इंटू एंगल ऑफ 90 डिग्री, जे 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे अब बात देखूँ रिलेशन, इसका मैं रिलेशन देखना चाहूँ तो इस आई सी और इस वी सी के बीच क्या रिलेशन आपको दिखेगा, तो ये आई सी इस वी सी से कहता है कि हम, ये कहता है इससे कि हम तेरे से 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं। वी सी से ये आई सी कह रहा है प्लस है ना, ये क्या है प्लस है, तो कह रहे हम 90 डिग्री लीड कर रहे हैं। इसका मतलब आई सी लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम वी सी। ऑब्वियसली इसी का अपना वोल्टेज और इसी का अपना करंट में, हमेशा करंट क्या करता है, लीड करता है, हमेशा करंट क्या करता है, लीड करता है। ये चीज आपको हमेशा जानना होगा, करंट हमेशा कैपेसिटिव सर्किट में लीड करता है और प्योर करंट कैपेसिटर में तो हमेशा 90 करता है, वही 90 यहाँ पे आपको बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर आगे जाऊं इस सर्किट में, अब तो आपको मेन क्या करना, अभी फेजर ड्रॉ करना है। नाउ नाउ वी हैव टू ड्रॉ, नाउ वी हैव टू ड्रॉ फेजर, है ना, वी हैव टू ड्रॉ फेजर, अपने वो फेजर ड्रॉ करना है यहाँ पे, अपने को फेजर ड्रॉ करना है। ओके,
तो फेजर कैसे ड्रॉ होगा, आपको सारे पार्ट पते होने चाहिए, कौन क्या कर रहा, लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। सबसे पहले आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस आप किसको लोगे, आप बोलोगे सर रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, दिख रहा है ना रेड कलर, ओके। रेफरेंस किसको लेंगे, पैरेलल में वोल्टेज समान, पहले से लगातार करते आया हूं, तो पैरेलल में वोल्टेज समान यानी वी आर वी एस वी सी है ना। चलिए करंट की बात करूं, रेजिस्टिव सर्किट में करंट हमेशा सेम फेज में होगा, रेजिस्टिव सर्किट में करंट हमेशा सेम फेज में होगा, तो आई आर उसी डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आईसी किस तरीके से काम कर रहा है, अगर आईसी की बात करिएगा तो आईसी इस वीसी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आईसी इस वीसी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब आईसी इस वीसी से आईसी इस वीसी से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो 90 डिग्री जब लीड कर रहा है इसका मतलब ये तो गया भैया ऊपर, लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ओके। और कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है आईसी है। चीजें क्लियर, तो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ठीक है। 90 डिग्री से लीड कर रहा तो बन तो गया, दो ही तो कंटेंट है, एक का कैपेसिटर और दूसरा रजिस्टर। अब देखिए इनको रिजल्टेंट नहीं बना सकते क्या, बेशक आप बना सकते हो, इसके इसके पैरेलल में ऊपर से खींचिए, इसके पॉइंट से यहां आ गए, और इसके पैरेलल में इसके पॉइंट से खींचिए, ये पॉइंट बना। ऑब्वियसली अब जो आपका बन रहा है ये रिजल्टेंट बनेगा, वी आर और वी सी का रिजल्टेंट क्या बना, ऑब्वियसली आई एस ही बनेगा, क्योंकि आई सी भी करंट जा रहा है आई एस से ही और आई आर भी करंट जा रहा है आई एस से ही। इसका मतलब कोई पूछेगा इस आई एस की दूरी बताइए, इस आई एस की दूरी बताइए, तो आप कहोगे सर आई एस बराबर आप पूछ रहे हो, तो आपको पता है यहाँ पे आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे ना आराम से, ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ये आसानी से अगर आप देखना चाहो यहाँ पे ग्राफ में तो मैं आपको दिखाऊं, ये एक तरीके से आपका देखिए ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। ये वो बात अलग है कि शेप इसका क्या है, उस दूसरे साइड से है ट्रायंगल, अगर यहाँ पे रिवर्स का कोई ट्रायंगल दिखे तो शायद नहीं दिख रहा, ठीक है ना, तो एक ही ट्रायंगल है, इसका मतलब ये शेप कैसा है, जस्ट इसका उल्टा है, ओके। तो यहाँ से ट्रायंगल जब बन गया आपका, ये ट्रायंगल जब बन गया आपका, बन तो रहा था, चलिए संजोग ऐसा है कि बन ही रहा था, चलिए ये जो ट्रायंगल बन गया ना इस शेप में, देखिए इस शेप में बना, तो यही तो है जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ये है आपका आई एस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही आई एस लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आई आर लिखा जाता है, और ये हाइट इसके पैरेलल है तो ये आई सी लिखा जाएगा। कोई पूछेगा आई एस क्या होगा, तो आपको अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, कोई कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आप इसको आसानी से लिख सकते हो, चीजें क्लियर है ना। तो ये होता है कि किसी का फाइनल रिजल्टेड एसी के सर्किट में नॉर्मल सम नहीं कर सकते, अगर कैपेसिटर होगा और रेजिस्टेंस होगा तो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान में रहे। बच्चे बहुत कंपटीशन में हो, नॉर्मल एग्जाम में हो, बहुत फटाफट बढ़ने के चक्कर में गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना, तो इन चीजों का बहुत बेसब्री से आपको ध्यान रहे। चलिए अगर मैं आप यहीं से, चूंकि फेज एंगल भी निकालना, यही तो टारगेट नहीं है, टारगेट तो बहुत सारा है। अब यहां से कोई पूछेगा फेज एंगल क्या होगा, तो ये होता है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। अब वाई सेक्शन कौन सा है, एक्स सेक्शन कौन सा है, आपको देखना है। ऑब्वियसली वाई वर्टिकल वाला वाई होता है, एक्स ये होता है, इसका मतलब आई सी बटा आई आर, वाई बटा एक्स, ओके, वाई बटा एक्स। आपसे पूछ देगा कि इसमें कॉस फाइव पावर फैक्टर बताइए, पावर फैक्टर कॉस फाइव आपसे पूछ देगा पावर फैक्टर, ओके। तो पावर फैक्टर आप जानते हो, पावर फैक्टर है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगा दो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा आप लगाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है फेजर यही होगा, रिजल्टेंट जो फेज एंगल होगा वो यही होगा ना, क्यों यही होगा, क्योंकि फेज एंगल बताता है रिजल्टेंट वोल्टेज जो टोटल वी एस ये वाला है ना, ये वी एस है, और रिजल्टेंट करंट सर्किट का रिजल्टेंट करंट आई एस है ना,
क्योंकि आईआर तो एक कंपोनेंट का है, आईसी दूसरे कंपोनेंट का है, लेकिन टोटल क्या है आईएस। तो रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच जो भी एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, फेज एंगल। इसका मतलब यहाँ इसका फेज एंगल फाई है, तो कॉस थीटा इस फेज के साथ लगाइए ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी में क्या है आईआर और एच में क्या है आईएस। ये दोनों का रेशियो जो दिख रहा है यही करंट करंट से कट जाएगा तो यूनिटलेस हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटलेस होता है। इस तरीके से चीजों को आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे नहीं लगता इन कंटेंट में आपको कोई दिक्कत होगा कि आरसी सर्किट को कैसे लिखते हैं, पैरेलल वो सीरीज का हमने देख ही लिया है ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी आप देखो क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड अगर करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, एक करंट दे देगा 3 एम्पियर इधर जा रहा है 5 एम्पियर इधर जा रहा है, तो बताइए रिजल्टेंट कितना होगा। तो वेक्टर सम लगाएंगे, ऐसा नहीं 5 3 8 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, आसानी से कोई भी कंपोनेंट दो दिया हो तो तीसरा ट्रायंगल से निकाल देते हैं। कभी किसी सर्किट में सपोज दैट दो ही कंपोनेंट दिया हो तो तीसरा तो तुरंत निकाल लेंगे, सिर्फ ये दिया हो तो भी तीसरा निकल जाएगा। तो पावर फैक्टर भी आसानी से निकल सकता है, फेज एंगल भी आसानी से निकल सकता है। जो भी कंटेंट दिया हो उसको तीनों निकाल के आप कॉस डायरेक्ट लगा दीजिए, या फिर अपने को कॉस 10 कोट कुछ भी लगा के आप निकाल सकते हो वैल्यू। इन चीजों का ध्यान रखें, कैसे फेजर ड्रा होता है इसको भी देख लिया आपने। ये सब फेजर कहाँ पे काम आएगा आपको, जब मेजरमेंट में जाते हो तो ये चीजें वहां पे काम आता है, चीजें आपको पता लगता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। चलिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ तक आपने लिख लेना है, एक स्लॉट में यहाँ तक लिखो, एक स्लॉट में इसको लिखना है, ठीक है ना। चलिए दूसरे स्लॉट में आगे, दूसरे स्लॉट में इसको लिख लेना है, ठीक है ना। तो आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट और पैरेलल में रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल में रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिफाइंड होती है, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।